गोंदिया ब्लड बैंक में रक्त युद्ध रोग पे कई इतिहास है, उन्हीं में से एक है रोहिन भाटिया, जिनकी इच्छा थी कि चाहे मैं 100 साल जीऊँ या न जीऊँ लेकिन 100 बार रक्तदान कर कई लोगों को जीवन दान देकर जाऊँगा। और उनको आज वह हमारे बीच नहीं है, उनकी इस इच्छा को पूरी करने के लिए हमारे चरमेश जी शर्मा उनके जो मित्र हैं उसको उनकी इच्छा को निरंतर जारी रखते हुए उनके पुण्यतिथि पर रक्तदान शिविर का आयोजन करते आए हैं। जानते हैं इनकी राय क्या कहना है आपको स्वर्गीय रोहिन भाटिया की। स्वर्गीय रोहिन भाटिया एक ऐसे होनहार युवा थे जो स्वयं स्वैच्छिक रक्तदान करते थे, और उनके परिजनों को, उनके भाई राहुल भाटिया, उनके जितने भी मित्र मंडली है, उनके परिवार ने उनकी मृत्यु के पश्चात ये निर्णय लिया कि प्रतिवर्ष उनकी स्मृतियों को 15 अप्रैल को रक्तदान के रूप में जीवित रखा जाए। और उनके सभी मित्र मंडली के लोग सामाजिक रूप से, गैर राजनीतिक रूप से, चाहे वो किसी भी पार्टी से ताल्लुक रखते हों, किसी भी संस्था से हो, आते हैं और हमेशा यहाँ पर रक्तदान करते हैं। और जब कोविड का समय था 2020 में, तो राजस्थान का सबसे बड़ा रक्तदान शिविर 111 यूनिट का रोहिन भाटिया जी की पुण्यतिथि पर यहाँ पर हुआ था, जिसमें जिला कलेक्टर महोदय भी आए थे, SP साहब भी आए थे, सभी लोग उसमें आए थे। तो प्रतिवर्ष ये रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाता है। और रोहिन भाटिया का मैं व्यक्तिगत रूप से इसलिए ऋणी हूँ कि मेरे जन्मदिन पर जब बूंदी में पहली बार 100 यूनिट का रक्तदान हुआ था, तो रोहित भाटिया उसमें एक स्वैच्छिक रक्तदाता थे। प्रतिवर्ष मेरे जन्मदिन पर 22 अक्टूबर को वो रक्तदान करते थे। तो जब उनकी मृत्यु हुई तो उनका रक्तदान करते हुए फोटो जो मेरे पास एल्बम में था वो एक अविस्मरणीय वो बन गया, क्योंकि रोहित भाटिया उस समय उपस्थित नहीं थे। और वो फोटो फिर मैंने पंकज भाटिया जी, उनके भाई राहुल भाटिया को दिया, तो वो रक्तदान के प्रति एक प्रेरणा बना। और जब तक रोहित भाटिया स्मृति रहेगी, मैं स्वयं भी प्रतिवर्ष 15 अप्रैल को रक्तदान करता हूँ और सभी लोग रक्तदान करते रहेंगे। हम रक्तदान के रूप में उन्हें याद रखेंगे और हमेशा उनकी पुण्यतिथि के रूप में परिजनों के साथ मनाते रहेंगे। आज प्रातः गोपाल योजना के तहत लगभग 1000 गोवंश को 5000 पूले गायों को हरा चारा भी डाला गया है, जिसमें पंकज भाटिया जी, राजकुमार जी संगी, राहुल भाटिया, जयंत होतवानी जी, सभी लोग थे। और उसके बाद बंदरों को सब्जियां डाली जा रही है, सुदमा सेवा संस्थान में असहायों को भोजन भी करवाया जाएगा, इस तरह का भी कहते हैं। हमारे साथ चरमेश जी शर्मा कहते हैं कि जीवन तो हर कोई जीता है, लेकिन रक्तदान कर किसी को जीवन दान देते हैं वही असली जीवन होता है। यह एक निशान और एक प्रेरणा छोड़ गए हैं स्वर्गीय रोहिन भाटिया जी, जो कि हर 3 माह में नियमित रक्तदान करते थे और कई लोगों का जीवन बचा चुके थे। उनकी जो इच्छा थी कि मैं जीवन काल में 100 बार रक्तदान करूंगा, चाहे मैं 100 साल जीऊँ या न जीऊँ, उसी को आगे बढ़ाते हुए रक्तदान कैंप का आज आयोजन किया जा रहा है, जिसमें लगभग 51 यूनिट के आसपास रक्तदान हो जाएगा। और सरहद पर जो रक्षा करते हैं, जरूर नहीं कि सरहद पर शहीद होने वाले ही शहीद कहलाते हों, भारतवर्ष में अंदर जो लोगों की रक्तदान कर जीवन दान देते हैं, जीवन बचाते हैं, वह भी एक तरह से भारत के सैनिक कहलाते हैं। इन रक्तवीरों को नमन करते हैं। मैं राजेश कोहिवाल, राजस्थान दर्शन न्यूज, कैमरामैन रवि कुमार के साथ बूंदी। इसमें नंबर काउंट चलता है, है। आज ही आज रक्तदान कैंप का आयोजन किस विषय में किया गया है? छोटे भाई कितने वर्ष से अब रक्तदान कैंप करते आ रहे हैं उसकी पुण्यतिथि पर? 3 साल हो गए। ऐसा क्या कारण है जो उनकी पुण्यतिथि पर रक्तदान कैंप आयोजित कर दिया? जन्मदिन